हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी एजुकेटर। सो आज मैं आपके सामने लेसन प्लान्स दिखाने वाली हूँ अपने, जो मैंने कॉलेज में बनाए थे। सो हेयर इज माय लेसन प्लान, आप देख सकते हैं। वेल, मैं डाइट की स्टूडेंट हूँ, DLED। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं जैम भारती इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो मैं अब आपको अपने लेसन प्लान्स दिखाने वाली हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। वेल, आई होप, मैंने एक्चुअली 120 लेसन प्लान्स बनाए हैं, सो आई होप कि मैं आपको वो पूरे दिखा सकूँ। पर आज मैं आपको सिर्फ 5-6 ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है अभी, दैट्स वाई। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना नाम लिखा है, फिर उसके बाद मैंने लिखा है DLED चैन भारती, फिर उसके बाद अपना EL लिखा है, एंड या SCP जो हमारी होती है वो लिखा है। वेल, ऑनलाइन SCP चल रही थी हमारी, तो मैंने ऑनलाइन SCP मेंशन कर दिया है। सो हियर वी गो, ये ब्लैंक पेज है फॉर द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे मुझे अभी ब्लैक बोर्ड पेस्ट करना है। वाइट कलर की शीट को कट आउट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो, ओके। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग जाती है लेसन प्लान 1, देन प्यूपल टीचर नेम, इट शुड, या फिर प्यूपल टीचर नेम लिखते हैं जो हमारा ही नाम होता है, फिर स्कूल का नाम, क्लास, डेट, टीचिंग मोड। इस फर्स्ट पेज में मैंने टीचिंग मोड, मतलब फर्स्ट लेसन प्लान में मैंने टीचिंग मोड मेंशन किया है, ओके। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा, टॉपिक, ड्यूरेशन, TS मतलब टोटल स्टूडेंट, टोटल प्रेजेंट और टोटल सेंट, ये सारी चीज़ें लिखी है मैंने। फिर उसके बाद मैंने जर्नल ऑब्जेक्टिव लिखा है, ओके। जर्नल ऑब्जेक्टिव आप अपने टॉपिक के हिसाब से चूज़ कीजिए। मैंने देखी, मेरा सब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर इंग्लिश में है, मैं टेंसेस पढ़ाने वाली थी, तो मैंने टेंसेस का ही जो है लेसन प्लान क्रिएट किया है, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। Helps the student to gain the knowledge about the grammar and its usage. Tenses हम तभी पढ़ाएंगे ना जब बच्चों की knowledge develop होगी, तो इसलिए मैंने ये objective में लिखा है। फिर उसके बाद helps in development of language. Language develop होगी अगर उनकी grammar जो है वो अच्छी होगी तो। Use the language in day-to-day life to develop the skills. देखिए guys, English में बातचीत करेंगे और obviously अगर उनको language में proper अच्छे से develop होगा तो। ये आप क्लास 7th के अकॉर्डिंग मैंने बनाया लेसन प्लान, इसकी मैं पिक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके आप इजीली देख सकते हैं PDF, ओके। टीचिंग एड लिखते हैं, फिर टीचिंग एड में मैंने लिखा है यहाँ पे स्मार्टफोन, क्योंकि ऑनलाइन था ऑब्वियसली। फिर वाइट बोर्ड डिजिटल था, अगर आपका ऑफलाइन मोड है तो आप लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी आपके पास है इन यूज़, और फिर चौक हो गया, डस्टर हो गया, अगर वाइट बोर्ड लिख रहे हो तो मार्कर लिखोगे आप, ओके। फिर वीडियोस एंड पिक्चर्स, वीडियो को मैंने इधर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमेशा जो भी होती है टीचर्स वो इंटीग्रेटेड पढ़ाती है, तो वीडियो मतलब टेक्नोलॉजी के साथ ही हम पढ़ाएंगे ऑब्वियसली, वापस स्मार्ट बोर्ड जो भी होते हैं ना उनका यूज़ करके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो लिखा है। ऑनलाइन में मैंने स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंट करी थी वीडियो। प्रीवियस नॉलेज, अब प्रीवियस नॉलेज आती है हमारी हेडिंग, आप देख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज में आपको क्या करना होता है, जो बच्चों का प्रीवियस स्किल्स होती है, मतलब मैंने ये 7th के अकॉर्डिंग बनाया जैसे कि, ओके, तो 6th क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा होगा टेंस के हिसाब से, तो उनकी वो स्किल्स को क्या करना है, यहाँ पे रिवाइज कराना है उनको। तो रिवाइज कराने के लिए मैंने जस्ट एक हल्का सा ग्राफ दिया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ अच्छे से। यहाँ पे मैंने लिखा है टेंस, यहाँ पे लिखा है सिंपल टेंस। फिर उसके बाद ये जो है यूज़, अब ध्यान से देखना गाइस, यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट हो रही है। ये जो है यूज़ है, पहला फैक्ट्स, दूसरा है शॉर्ट एक्शन, तीसरा है हाउ मेनी टाइम्स, एंड डिस्क्राइब द स्टेट्स, आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ओके। अब इसके बाद क्या है, ये जो चार चीज़ें मैंने ऊपर सम अप करके जो लिखी है उनके यहाँ पे सेंटेंसेस बना रखी है, चलो पढ़ते हैं। इट रेन्स अ लॉट इन स्कॉटलैंड, तो ये क्या है, ये फैक्ट है, ठीक है। द बॉम्ब एक्सप्लोडेड मतलब ये क्या है, शॉर्ट एक्शन, ओके। सो मैंने ऊपर हल्के से सम अप दे दिया था, तो आप भी टीचर हो, आप तभी ये वीडियो देख रहे होंगे मेरे पोर्टफोलियो के, तो आप भी ऐसा चीज
थोड़ा सा सम अप करके यहाँ पे बता सकते हैं. She's already starred in 3 various films in this year. तो ये क्या है, हाउ मैनी टाइम्स यहाँ पे उसका यूज हो रहा है. तो मैंने प्रीवियस नॉलेज बच्चों की दिखा दी कि बच्चों को इतना आता है. फिर उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट. अब हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आपने बच्चों की जब प्रीवियस नॉलेज को एक बार अच्छे से रिवाइज करा दिया तो ये आपकी भी ड्यूटी होती है कि बच्चों को कितना समझ आया हमें पता चल सके. इसलिए ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टेंस. बच्चों को पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं. तो टेंस, तो ये बच्चों का है कि टेंस इज अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेस द टाइम रेफरेंस. ओके, फिर टीचर अपनी एक्टिविटी में लिखेगी क्वेश्चन में, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सेट्रा. वो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे क्योंकि सिक्स्थ में हल्का सा ओवरव्यू दे दिया जाता है. फिर उसके बाद व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर शो करना है, दैट इज एस प्लस वी वॉन्ट प्लस एस स्लैश ई एस. तो यस गाइस, आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी देना है, मतलब पूछोगे आप. ठीक है, तो आप और भी एडिशनल क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं. वेल, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, इसकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा फटाफट से. फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद जो आता है वो आता है प्रेजेंटेशन. वेल, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लेंदी होती है, दैट्स वाई मैं इसको व्हाइट पेज पे लिखती हूँ. ठीक है, प्रेजेंटेशन में अब वेट अ सेकेंड, आपको कॉलम्स बनाने होते हैं. पहला कॉलम जो होता है वो नंबर का होता है, दूसरा होता है टीचिंग स्किल्स का, जो भी आप टीचिंग स्किल यूज़ करते हैं. फिर होता है प्यूपल एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर इवेल्युएशन. ओके गाइस, अब नंबर में सबसे पहले मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशन स्किल्स. एक्सप्लेनेशन स्किल, बिकॉज मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे उसका पूरा स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन स्किल लिखा है. नेक्स्ट में मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड स्किल. अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जब तक मैं लिखूंगी नहीं बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड स्किल. फिर अब आप सोचोगे कि दीदी अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या लिखूँ, तो डियर आप तब भी ब्लैक बोर्ड स्किल लिखो, बिकॉज आप व्हाइट बोर्ड का डिजिटल यूज करोगे ना, इसलिए. ओके, फिर उसके बाद है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट. स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब आप उनको अप्रिशिएट करोगे, कोई भी क्वेश्चन आप पूछोगे उनसे तो बच्चा जो है वो आंसर देगा. ठीक है, तो बच्चा जब भी आंसर देगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है आप उनको पॉजिटिव वाइब्स दोगे, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड उनको शो करोगे कि भाई हाँ आपने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू, और बोलोगे क्लैप करो इसके लिए. तो ये सब क्या है, एक अच्छे से एटीट्यूड डेवलप कराते हैं बच्चे के अंदर. फिर है स्टिमुलस वेरिएशन. फिर आप स्टिमुलस वेरिएशन का यूज़ करोगे. ये स्किल ऐसी होती है कि आपको पता होता है कि किस वर्ड पे आपको ज़्यादा फोकस देना है और किस वर्ड पे नहीं देना. ओके, फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक. देख सकते हैं आप, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक आते हैं. इसमें क्या होता है, हम ना इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपना टॉपिक को. इफ़ द स्टूडेंट गेट द नॉलेज अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर स्टूडेंट के पास नॉलेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, देन दे कैन यूज और क्रिएट द सेंटेंस प्रॉपरली, सच एज शी रीड्स बुक इन लाइब्रेरी. तो हम ऐसे ओपनिंग करेंगे. फिर रिकैपिचुलेशन, अदर रिकैप में मतलब हम सम अप कर रहे होते हैं प्रॉपरली. ठीक है ना, तो इसमें क्या है देख सकते हैं आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेंस, जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ रखा है हम इसमें भी रिकैप में डाल सकते हैं. ओके, नेम द फॉर्म्स ऑफ टेंसेस. फॉर्म्स ऑफ टेंसेस के आप नाम बताओ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्या समझते हो, आप ये भी लिख सकते हो. और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हो आप, नए क्वेश्चन भी लिख सकते हो जो आपने प्रीवियस नॉलेज में डाला था. क्यों, क्योंकि जब भी एक टीचर की ऑब्जर्वेशन होती है तो उसमें बहुत सारी अलग अलग सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रीवियस नॉलेज का उसने यूज़ किया है कि नहीं किया है, प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस टीचर ने पूछे कि नहीं पूछे, तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बीइंग अ टीचर, और आपको अपने लेसन प्लान में शो करना होता है. तो आप देख सकते हैं दिस इज द वर्कशीट, ये जो है ये वर्कशीट है. ओके, एंड यहाँ पे एक्टिविटी मैंने दे रखी है बच्चों के लिए कि भाई मैंने जो एक्टिविटी कराई है या मैं कराना चाहती हूँ वो ये है. फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हम होमवर्क देते हैं. तो एक्टिविटी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं. होमवर्क में आप क्या करेंगे, आप कोई भी गेम लिख के दे सकते हैं बच्चों को, आप देख पा रहे होंगे.
होमवर्क में आप क्या करेंगे, कोई भी गेम लिख के दे सकते हैं बच्चों को, या आप ऐसा कर सकते हैं आप क्वेश्चन से दे दीजिए जो आपने रिकैपिचुलेशन में करवाए हैं। वेल फटाफट से मैं अब आपको वर्कशीट दिखा देती हूँ, वर्कशीट का क्या सीन है आप देख लीजिए। दिस इज़ द वर्कशीट, डार्क कलर है सो आई थिंक आपको ब्लैक दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे मैंने लिखा है वर्कशीट टाइम, यहाँ पे है प्यूपल टीचर जिसका नाम, मतलब मैंने अपना नाम लिखा है खुशी, फिर स्टूडेंट नेम, फिर डैश छोड़ा है, क्लास में डैश, सेक्शन में डैश, अबाउट मी, अबाउट मी में दो तीन लाइन छोड़ देनी है, फिर टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स की वर्कशीट है ये आपके ऊपर है, तो आप 10 दे दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। ओके, माय प्रैक्टिस वर्कशीट, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, माय वर्कशीट बुक जो मैंने आगे लिखी हुई है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, यस। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख के दे रखे हैं, 5 मार्क्स के ही है, 5 मार्क्स के ही है। सो यस गाइस, ऐसे मेरा ये जो है पोर्टफोलियो, सो यस गाइस, दिस इज माई फर्स्ट लेसन प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वेल आपको मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारे लेसन प्लान हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज आई नो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लेसन प्लान को सर्च करने में, हम ऑनलाइन भी सर्च करते तो नहीं मिल पाता, तो इसलिए गाइस नो वरी, स्टे कनेक्टेड विद आर चैनल दैट इज खुशी एजुकेटर। तो सब्सक्राइब चैनल को किया कि नहीं किया, फटाफट से कर लो फिर सब्सक्राइब। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।